क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और लोगों में पाए जाने वाला डर कौन सा है? मुझे खुद नहीं पता था, ये सुन के आपके होश हो जाएंगे। मतलब इतना ज्यादा डेंजरस? बट मैं आप लोगों के साथ इसके आज सोल्यूशन भी लेके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रबीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। दुनिया का सबसे ज़्यादा खौफनाक और इम्पॉर्टेंट डर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चेज हो रही हैं और मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर वीडियो भी लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी कि मतलब कि वो कौन सा डर है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट और डेंजरस है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि इससे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप जानते ही होंगे कि डर जो है जब लोगों को लग जाते हैं तो कितना पैनिक कर जाते हैं और कितना मतलब मुश्किल होता है उनके ऊपर ये सफ़र, आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा डरावना भी होता है लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा कह लें अजीब भी होता है। मुख्तलिफ तरह के डर पाए जाता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फोबिया जिसे कहा जाता है वो होता है अरैकनोफोबिया। क्या? अरैकनोफोबिया, शायद प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो आपके लिए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? फियर ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ स्पाइडर्स यानी मकड़ियों से डर, मकड़ी से डर, ये लोगों के अंदर बहुत पाया जाता है। और ये मतलब एक ऐसा डर है जो कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में बल्कि सुना भी हो सकता है कि फलां शख्स को मकड़ियों से डर लगता है, या बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको खुद इन चीज़ों से डर लगता हो। तो ये स्पाइडर जो है ना, ये माना जाता है कि मतलब ये बहुत से लोगों के अंदर डर पाया जाता है। सबसे पहले तो हम इसके यहाँ जो है टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ मज़े के फैक्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ टेक्निक शेयर कर देती हूँ जो कि आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, वो चाहे आपकी इस फोबिया में हेल्प करे या फिर आपको कोई और डर भी हो उसके अंदर भी आपका हेल्प करेगा। तो इसको कहा जाता है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन आपने देखा होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को बताया है ब्रीथिंग टेक्निक्स और ऐसे करके मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, लेकिन इसके अंदर मैं बिल्कुल थोड़ा सा अलग आपके लिए लेके आई हूँ, बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ और मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द आहिस्ता आहिस्ता जो है लेके आने वाली हूँ बहुत कमाल की टेक्निक्स जो कि आपकी ज़िंदगी में आपका फ़ायदा करने वाली हैं। तो जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ विजुलाइजेशन। ये एक बहुत कमाल टेक्निक है अगर हम अपने डर को, किसी भी डर को ओवरकम करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों ने विजुलाइज करना है कि आप एक बहुत ही आराम की जगह पे हैं, बल्कि एक ऐसी जगह पे आप विजुलाइज करना है, आप एक ऐसी जगह पे हैं जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी पसंदीदा जगह के लिए नेचर है, तो मैं अपने आप को अगर अपने आप को विजुलाइज करूँगी तो देखूँगी कि मैं नेचर से सराउंडेड हूँ और खुला आसमान है और अच्छा वेदर है एंड ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, अच्छा वेदर है और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा करके आप लोगों ने अपने आप को विजुलाइज करना, जहाँ भी आपको कहीं भी आपको अच्छा लगे ना, कोई जगह आपको अच्छा लगे या कोई सिचुएशन आपको अच्छी लगे, आपने वहाँ अपने आपको विजुलाइज करना है, ठीक है। और आपने अच्छी तरह पहले विजुलाइज करना है कि आप इतने यानी आप कैसा फील कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं और फिर अच्छी हवाएं चल रही हैं, आप बिल्कुल खुश हैं, काम है और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और बिल्कुल आप हवाओं में हैं, जैसे लेविटेट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ ऐसे जो है अपने आपको सबसे पहले विजुलाइज करना है, ठीक है। जैसे ही आप ये विजुलाइज कर लें, पहले तो थोड़ी देर कर लिया, फिर आप लोगों ने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता जो भी आपका डर है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं अरैकनोफोबिया की, ठीक है, यानी मकड़ियों से डर, स्पाइडर से डर, तो आप लोगों को अगर वो है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली आंखें बंद करके विजुलाइज करनी है और आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसके अंदर स्पाइडर्स लाने, आहिस्ता आहिस्ता। और उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, उसके अंदर आप लोगों ने आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप लोगों ने काम रहना है, आराम से रहना है, ठीक है, भले दूर से ही लाएं, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने विजुलाइज करना है और आप लोगों ने काम रहना है, अपने आप को उस कह लें पैनिक होने से आप लोगों ने बचाना है और काम करना है। और ये आहिस्ता आहिस्ता कर लीजिएगा, भले अगर आपने थोड़ी सी देखी और आप कंफर्टेबल नहीं फील करें तो फिर आप लोगों ने अपनी आँखें खोल लेनी है, ठीक है। लेकिन फिर से आप लोगों ने इसको दोबारा ट्राई करना है ना, कोई भी डर हो, किसी भी चीज़ का डर हो, उसको जो है आप ओवरकम कर सकते हैं इस विजुलाइजेशन के थ्रू। ये बहुत इफेक्टिव है, आप इसको करके देखिए, आप लोगों ने ऐसे करके फिर आहिस्ता आहिस्ता जो भी आपका डर है ना वो लाए, जैसे कि मकड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता आप यानी कि आपको बस जस्ट नज़र आए, ठीक है, और आपने उधर पैनिक नहीं करना, आपने नॉर्मल रहना है, ठीक है। फिर उसी सिचुएशन को यानी कि आपने वेरी गुड, आप लोगों ने उसको पास कर लिया, वेरी गुड, फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करना है कि मकड़ी थोड़ा सा आपके पास आए,
थोड़ा सा आपके पास आए, तब भी आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और जब आप अनकंफर्टेबल हो उस सिचुएशन को वहीं छोड़ दें, लेकिन फिर बाद में आपने दोबारा ट्राई करना है, बिकॉज अगर आपको अपनी फियर को ओवरकम करना है तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो दोबारा जो है आप लोगों ने उसको रियलाइज करना है, वो थोड़ी यानी कि जब आपने पहली स्टेज पास कर ली, फिर दूसरी के अंदर आप रियलाइज करें कि स्पाइडर थोड़ा आपके पास आया, फिर और पास, ये भी आपने मतलब बिल्कुल सही तरीके से कर लिया, फिर और पास, ये भी हो गया, फिर और पास, ये भी हो गया, फिर और पास, यहाँ तक जो है आप लोगों ने आराम आराम से करना है रियलाइज। और इवेंचुअली आप लोगों ने क्या रियलाइज करना है कि स्पाइडर जो है आपके पास है, और आपको कोई भी आप पैनिक नहीं करें, आप आराम से जहाँ भी बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और आप बहुत खुश हैं, और आपको कोई भी किसी भी किस्म का डर नहीं है, वो हो ना हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप बहुत अच्छा फील करें, और कुछ भी हो आप जो है हमेशा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और अच्छी सी विजुलाइजेशन कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो इसको आपने करना है, विजुलाइजेशन के अंदर अपने डर को आप आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इवन विजुलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने स्ट्रांग है, विजुलाइजेशन बहुत बहुत स्ट्रांग है। मैं खुद इसको प्रैक्टिस करती हूँ, क्रिएटिव विजुलाइजेशन जो है मैं खुद करती हूँ, मैं लोगों को करवाती भी हूँ, मैं बहुत देर से करते आ रही हूँ क्रिएटिव विजुलाइजेशन, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, बिकॉज आप नहीं जानते कि आपने आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स ये कैसे ऐसे ख़त्म कर सकता है, और आपकी ज़िंदगी में आपको राइट डिसीजन लेने में आपकी कितनी मदद करेगा। तो ये एक बहुत कमाल का टूल है, जो कि मैं चाहती हूँ हर किसी को आए, और हर कोई जो है इसे इजीली इस्तेमाल कर सके। तो जी हाँ, ये बहुत कमाल की टेक्निक है। अब यहाँ मैंने आप लोगों को विजुलाइजेशन में ये बताया कि आप एरेक्नोफोबिया को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, यानी स्पाइडर्स के डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे हाइट का डर हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप बहुत अच्छी जगह पर हैं, और आप वही जो भी विजुलाइजेशन शुरू में बहुत खुशगवार विजुलाइजेशन कर ली, फिर आप एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आप ये करें विजुलाइज, फिर आप आहिस्ता आगे जा रहे हैं, फिर आप आगे जा रहे हैं, फिर आप आगे जा रहे हैं, फिर आप नीचे देख रहे हैं, तो आप जो हैं फिर क्या कहते हैं इसमें कंट्रोल करना सीखें, और फिर आप ऑब्वियसली वो जो बिल्डिंग की दीवार है उसके ऊपर खड़े हो गए हैं, आप उधर खड़े होकर फिर अपने आप को कंट्रोल करने का विजुलाइज करें। इसी तरह ये तो मैंने एरेक्नोफोबिया का बताया आपको, और ये एक्रोफोबिया यानी हाइट से डर का बताया आपको। किसी भी चीज़ से डर लगता हो ना, आप इसको जो है विजुलाइज करें, और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी इंशाल्लाह ताला ज़रूर हेल्प करेगी। क्रिएटिव विजुलाइजेशन कमाल का टूल है, मतलब कमाल का टूल है, और ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। और अगर आपको किसी भी तरह की मतलब टेक्निक चाहिए हो, किसी भी मसले को आप डिस्कस करना चाहते हो और उसका सोल्यूशन चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको उसके ऊपर गाइड करूँगी। आई एम अ प्रोफेशनल कोच, और मैं जो हूँ प्रॉपरली आप लोगों को गाइड करती हूँ, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, और काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।